गोस्वामी जी कह रहे कि तुम्हें क्या बताऊं, बबूर बहेरे, बहेड़े का बड़ा निंदनीय माना जाता है लोक, और उसमें उसके नीचे से भी भजन आदि भी उसके वृक्ष के नीचे ने बोले, बबूर और बहेरे से मुझे रसाल आम का फल मिलता है, तुम आश्चर्य मानोगे, बमूल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊं तो आम का फल मिलता है, अर्थात जो मुझे दुख देने वाले, मेरा अपमान करने वाले थे, वो भी मुझे आदर करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, आज वो सब मुझे दुलार। बंबूर बहेड़े का मतलब जो द्वेष करने वाले, अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, आज सब मुझे प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, ये केवल केवल नाम का फल। नाम प्रसाद लहत रसाल फल अब हो बबूर बहेरे। इसलिए सबको मैं उच्च स्वर से कहता हूं कि लोक परलोक सब कुछ संभालने वाला अगर कोई है तो एक नाम है। चाहे जितने उपाय कर लो आप, बहुत से साधक जन उपाय करते हैं, शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार साधना करते हैं, पर गोस्वामी जी कह रहे मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो नाम में विश्राम मिला, तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, जैसे गांठ एक होती है उसके ऊपर कई फेरे लपेट दो, तो बात तो एक गांठ से ही है, फेरों से थोड़ी रुकी हुई हो, फेरे तो केवल उसके ऊपर है, तो हर बात की बात है नाम। प्रभु के होते हुए भी दुर्गति नहीं रुकी, प्रभु के होते हुए भी परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, नाम, नाम का अवलंब हृदय में बैठा लीजिए। आपको जो भी चाहिए लोक परलोक की, जो भी महामहिमामय सिद्धि स्थिति जो भी चाहे, इस बात पर विश्वास कीजिए। गोस्वामी जी कह रहे कि पेट के लिए, उदर के लिए दरवाजे, दरवाजे पे भटका, अपमान के सिवा, तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। वाह, जब नाम का आश्रय ले लिया तो बादशाह अकबर जैसे ताज उतार के चरणों में रखते हैं। था तो राम का पहले भी, लेकिन दरवाजे से भगा दिया जाता था। जब नाम का हुआ तो ये चमत्कार देख लो कि बड़े बड़े सम्राट राजा महाराजा चरणों में। और आश्चर्य की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी नाम में ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान स्वयं उनकी कुटिया का पहरेदारी का कार्य करते थे। राम जी लक्ष्मण जी, जब रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की तो काशी के विद्वानों के हृदय में कुछ ईर्ष्या हुई, क्योंकि अवधी भाषा में रचना और इतनी सरल, इतनी शास्त्र सिद्धांत से परिपक्व कि जो तो आसक्त हो जाए, तो सूत्र, अन्य सिद्धांत सूत्र सब उसमें समाये हुए, तो सरल भाषा, बड़ी महिमा प्रकाशित हुई, तो जो विद्वान जन उनको चुभा, तो उनको लगा कि ग्रंथ ही को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो कुछ लोगों को मुद्रा दे करके प्रेरित किया कि रात्रि में गोस्वामी जी वहीं तुलसी घाट में रहते, रात्रि में वो शयन करेंगे, तो तुम वो जो ग्रंथ लिखा हुआ है रामचरितमानस वो गंगा जी में फेंक देना। अब वहां ये थोड़ी कि कोई अंगरक्षक लगे होंगे, बाबा जी भगवदानंद में मगन है। गए जो ही प्रथम गेट में गए तो सारंग धनुष धारण किए हुए बिल्कुल चैतन्य, इधर लक्ष्मण जी इधर राम जी, और अंदर से गोस्वामी तुलसीदास जी की सोने की आवाज है, मस्त सो रहे, राम जी जग रहे, दास सो रहा है स्वामी रक्षा में। उन्होंने सोचा कि आज तक तो हम जाना नहीं, इतने नव किशोर, इतने श्रेष्ठ बलवान ये अंगरक्षक रखते, कहते चार कुटिया के दरवाजे थे, हर दरवाजे पर गौर श्याम जोड़ी धनुष बाण से बिल्कुल वो भाग गए। फिर सुबह आए कि मिले उन अंगरक्षकों से, बड़े सुंदर थे, बड़ा आनंद, तो गोस्वामी जी अकेले बैठे नाम जप कर रहे थे, प्रार्थना की कि रात्रि में जो किशोर वीर रक्षा करते हैं वो कहाँ गए हैं। तो कौन किशोर वीर, हमारी कुटिया में तो
हम ही हैं और तो कोई। बोले नहीं, हम रात में आए थे, देखा है सर। वो स्वामी जी के अश्रु प्रवाह होने लगे कि प्रभु स्वयं रखवाली, क्यों कर रहे हो रखवाली, पहले भी तो थे महाराज, ये चमत्कार क्यों? हम नहीं मानेंगे आपका चमत्कार, ये नाम का चमत्कार है, विश्वास कर लीजिए। अगर नाम नहीं है तो इनके होते हुए भी बात नहीं बन रही, नहीं बनेगी, विश्वास मत करना। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात करें, भाई जी महाराज कह रहे थे सामने श्री कृष्ण खड़े हो, विश्वास मत करना, नाम मत छोड़ देना। नाम छोड़ दिया तो पकड़ नहीं पाओगे, श्री कृष्ण को छोड़ देना, नाम पकड़ लेना, वो कभी जाएंगे नहीं। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, बड़े बड़े संतों का। अभी परसों की बात, गुरुदेव भगवान ऐसे कभी करुणा होती है, कभी ऐसे सावधान रहना चाहिए, जैसे करोना आदि है तो सावधान, कभी करुणा। हमारे बहुत बच के तो रहा ही जाता है, और बहुत बच के और ऐसा आप भी किसी को छुए ना, एक प्यार में उसे तो बल्ले बच के रहोगे तो बच जाओगे। कभी कोशिश तो यही कहते, सोशल डिस्टेंस रखे तो बच जाएगा। तो बोले एक करोला लाखों उसके हथकंडे हैं काल के, वो बख्शने वाला नहीं, होश में रहना। लाखों हथकंडे उस काल के, जैसी थरीवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, बच सकते हो। जितनी श्वासें हैं बस उतने श्यामा श्याम बोलो, यही है खास बात। आगे बस इतना ही, क्या तुम समझते हो किसी एक विषय से बच गए तो तुम बच जाओगे? उसके हजारों हथकंडे तुम्हारा नाश, जिस जिसको अपना माने हुए हो करेगा, जरूर करेगा। जितने क्षण जियो, जितनी श्वासें हैं उसमें श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम बोलो। और आप जब कभी गुरुदेव भगवान के दर्शन करना तो देखना, हर समय उनके नेत्र अंतर्मुख रहते हैं, और हर समय यहाँ कुछ हिलन डुलन होती रहती है, आप देखना गले से लेकर यहाँ तक निरंतर मंत्राकार वृत्ति, निरंतर नाम चलता। बड़े बड़े महापुरुषों से यही सार बात। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे, गरेगी जीह जो कहो और कहो। ये दो ही बात अपने सत्संग में प्रधानता होती है। पहली होती है गौर श्याम चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, और दूसरा होता है निरंतर आसक्ति पूर्वक प्रभु का नाम जप। ये सार बात, दोनों बात गोस्वामी जी। गोस्वामी जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो सर्व सिद्धांत विराजमान, आप चाहे जितनी ऊंचाई के उपासक हो वो भी है, सब है, आप पकड़ पाओ क्यों संपूर्ण बात। यह है कि जब कोई परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है तो उसमें और प्रभु में अंतर नहीं रहता। अब जिधर वो दृष्टि डाले हर आनंद उसके हृदय में स्फुरित होता है, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु विराजमान। अपार श्रद्धा गोस्वामी जी के चरणों में है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। कह रहे गरेगी जीह जो कहो और कहो, रसना कटो जो अन रटो, जान की जीवन जन्म जन्म जग ज्यायो, तिहारे ही कौर कहो, गरेगी जीह जो कहो और कहो। तीन लोक तीहू काल न देखत, सुहिद रावरे जोर को, तुम सो कपट करी कलप कलप क्रमी, वे हो नरक घोर को। कहा भयो जो मन मिली कली कालई, कियो भोकुआ भोर को। तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने थोर को। गरेगी जीह
है जो कहो और कहो गरे जो कहो और कहो। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है जो सत्संग में रोज प्रायः होती है। ये दो बात, आश्रय और चिंतन। आश्रय इतने जोर का कि गोस्वामी जी कहे मेरी जवान गल जाए यदि कभी मैं ऐसा इस जिभ्या से कहूं कि हे राम जी आपके सिवा कोई और मेरा है। कभी एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, इसी बात का सत्संग होता है। देखो अपने को जो प्राप्त होना है उनकी कृपा कटाक्ष से प्राप्त होना है। कई प्रश्न हमारे जीवन में आ सकते हैं प्राप्ति होने के पहले। आपकी इन्हीं दो बातों का परीक्षण होगा, आपके आश्रय का और आपके चिंतन का। अगर आप पहले में पास हो गए तो दूसरे में फेल भी हो जाओगे तो पास हो जाओगे। पहले में पास हो गए तो दूसरे में अगर फेल भी हो जाओगे तो पास हो जाओगे। पहला क्या? आश्रय। इतना जोर का आश्रय अपने प्रभु का हो कहीं भी किसी भी स्थिति में आश्रय न बदलने पाए। तो आपको प्यारी जू की करुणा कृपा से वो स्थिति प्राप्त होगी जो भगवान शंकर को भी प्राप्त नहीं है।